हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ओएसिस मैथमेटिक्स क्लासेस। मैं डी कुमार, आपका स्वागत है ओएसिस मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का मिसेलिनियस। कल कुछ नेट प्रॉब्लम आ गया था, तकनीकी प्रॉब्लम की वजह से हम लोग मिसेलिनियस का एक क्वेश्चन 6 या 4 बना रहे थे। लास्ट में कुछ बफरिंग ज़्यादा होने लगा था, जिस वजह से वो क्वेश्चन अच्छे से क्लियर बन नहीं पाया था। बहुत सारे बच्चे का कमेंट्स आया था कि सर इस क्वेश्चन को दोबारा बना दिया जाए, तो चलिए आज हम लोग उस क्वेश्चन को दोबारा बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर है, तो हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो कंप्यूटर महोदय, क्वेश्चन नंबर 4 को लगाने का प्रयास किया जाए। मैं चेक कर लेता हूँ कि लाइव हो गया है या नहीं हो गया है। हमारे कंप्यूटर महोदय का अथक प्रयास रहता है, बहुत सारा मेहनत करते हैं वो इसमें। ये सब आप लोगों का प्यार और कंप्यूटर महोदय के प्रयास की वजह से ही हो पा रहा है कि लॉकडाउन में भी हम लोग बेहतर शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं। सभी बच्चे जुड़े और लॉकडाउन में अच्छे से पढ़ें। हमारी मेहनत आपके साथ रहेगी। नेहा कुमारी, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। चंदा राज कुमारी, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग चंदा राज। सभी बच्चे तेज़ी से जुड़ जाइए, मैं 1 मिनट का वेट कर रहा हूँ। तेज़ी से सभी बच्चे जुड़ जाइए, आज का क्वालिटी भी ज़बरदस्त है। तब तक कंप्यूटर महोदय क्वेश्चन लगा रहे हैं। चलिए, क्वेश्चन लग चुका है, हम लोग देखते हैं। ए कुमारी, गुड मॉर्निंग सर, मॉर्निंग। थोड़ा विलंब हो जाता है, मैं प्रयास करता हूँ कि 7:30 बजे आ जाऊँ। मैं प्रयास बहुत देर से कर रहा होता है, लेकिन क्या है ना कि अभी इनिशियल में है, हम लोग को भी बहुत सीखना होता है, तो लाइव आने में थोड़ा टाइम लग जाता है। बट श्योर रहें कि आप लोगों का इस तरह से प्यार बना हुआ रहेगा, तो बहुत जल्द ही सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी और सौ समय हम लोग लाइव भी आ पाएंगे। बस आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर अच्छा लगता हो तो शेयर करें, ठीक है, अपने दोस्तों में। सिर्फ ये नहीं कि खुद पढ़ लिए, दोस्त लोग नहीं पढ़ रहे हैं, ये तो सारा गड़बड़ दे दिया, सारा टूटा हुआ दे दिया। चलिए, सभी बच्चे लगभग जुड़ गए हैं। अमन कुमार, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग अमन। राजीव कुमार, राजू कुमार बथौली, गुड मॉर्निंग सर, मॉर्निंग। चलिए गुड, इसी तरह सभी बच्चे एकदम इंतज़ार कर रहे होते हैं कि सर कब लाइव आएंगे और हम लोग पढ़ेंगे। बहुत बहुत बधाई आप लोगों को इसके लिए। स्टार्ट करें, चलिए। कंप्यूटर महोदय, क्वेश्चन नंबर कल 6 पढ़ा रहे थे बच्चे लोगों को, तो 6 दोबारा बता दे तो बेहतर रहेगा, है ना? आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर दिख रहा है? अगर दिख रहा है तो कमेंट में वाई टाइप करें। नेहा कुमारी, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग नेहा। चलिए, क्वेश्चन नंबर अब 6 भी लगता है लग ही रहा है।
चलिए नेहा कुमारी, हाँ सर क्वेश्चन दिख रहा है, गुड। सात बताइए। हाँ बेटा सात बताऊंगा, पहले छः नंबर क्वेश्चन बना देता हूँ क्योंकि कल नेट प्रॉब्लम आ गया था जिस वजह से छः नंबर अच्छे से नहीं बता पाया था, तो छः के बाद कंप्यूटर महोदय सात नंबर क्वेश्चन लगाएंगे। छः नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, अब देखिए आप लोग, कह रहा है कि कॉस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स कितना 3/5 बराबर साइन इनवर्स 56/65 प्रूफ करना है। चलिए गुड, क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। माता रानी की कृपा से आज सब कुछ अच्छा रहेगा। साइन इनवर्स 3/5 बराबर प्रूफ करना है आपको, साइन इनवर्स 56/65 साइन इनवर्स में। देखिए मैंने बताया था एक ट्रिक आप लोग को याद रखने के लिए, मैंने कहा था कि ये याद रखिएगा हमेशा, यह ट्रिक ये है कि जो प्रूफ करना हो, साइन प्रूफ करना है, कॉस प्रूफ करना है, टेन प्रूफ करना हो, जो भी प्रूफ करना हो उसको राइट साइड में कहीं रफ में लिख लीजिए आप। चलिए मैंने यहाँ लिख लिया, साइन लिख लिया, अब देखेंगे क्या करेंगे कि इसमें इसको कुछ न कुछ आप मानिएगा। चलिए इसको मान लेते हैं कि अल्फा मानते हैं, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग क्या, अल्फा प्लस इसको कुछ न कुछ मानिएगा बीटा, तो चलिए इसको बीटा लिख लेते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं। साइन अल्फा प्लस बीटा का क्या फॉर्मूला होता है बताइए तो, साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा, यही होता है ना, क्या होता है, साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा, चलिए ये फॉर्मूला होता है ना। तो अब देखिए इसको मानेंगे हम लोग, माना कि यानी लेट, लेट जो है कॉस इनवर्स 12/13 इक्वल अल्फा मान लीजिए। आप लोग को पता होगा कि ये अल्फा यहाँ आता है तो ये इधर चला जाता है, इनवर्स खत्म हो जाता है, तो आप लिख सकते हैं कॉस अल्फा बराबर 12/13। यहाँ से आप साइन अल्फा निकाल लीजिए, क्यों, क्योंकि रफ में मैंने बताया साइन अल्फा की ज़रूरत पड़ रही है, तो साइन अल्फा निकाल लीजिए। तो साइन अल्फा निकालेंगे तो क्या हो रहा है बताइए, साइन अल्फा का फॉर्मूला 1 cos² α ऐसा कुछ होता है। चलिए रूट ओवर 1 12/13 का स्क्वायर, आप इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपको देगा 144 और 169, तो 169 ऊपर आ जाएगा, 144 से घट जाएगा, 169 हो जाएगा, ये आप हल करेंगे 25/169 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/13 हो गया। किसका वैल्यू आपने निकाला है, साइन अल्फा का वैल्यू, तो आप लिख सकते हैं कि साइन अल्फा बराबर आ गया 5/13, साइन का वैल्यू आपके पास अवेलेबल है। अब चलिए किसका मान निकाल लेंगे, आप निकालेंगे कॉस का, इसको मानेंगे, मान लीजिए अगेन थ्री बाय फाइव, इसको क्या मान लेते हैं आप, बीटा मान लीजिए, पता होगा बीटा इधर आ जाएगा तो एंगल उधर चला जाएगा, ये इनवर्स खत्म हो जाएगा, गुड। साइन बीटा बराबर आ गया 3/5, यहाँ से आप क्या निकाल लीजिए, कॉस बीटा की ज़रूरत है ना वहाँ पे, तो चलिए कॉस बीटा निकालिए, तो आप कॉस बीटा क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 sin² बीटा ना, तो लिखिए 1 3/5 का स्क्वायर, जिस तरह ऊपर हल किए हल कीजिएगा, आ जाएगा 4/5, कितना आ जाएगा 4/5। अब लिखेंगे नाव, बस वही जो रफ में लिखे थे वो यूज करिए, अल्फा प्लस बीटा, ये हो जाएगा आपका साइन अल्फा
इंटू कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होना चाहिए, सभी बच्चे लाइव रहिए। अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा का वैल्यू कितना है? साइन अल्फा का वैल्यू आपने निकाला होगा कहीं पे, साइन अल्फा देखिए तो क्या है, ये है आपका 5/13। तो लिखिए 5/13। कॉस बीटा देखिए, कॉस बीटा का 4/5, तो 4/5 प्लस कॉस अल्फा, कॉस अल्फा का वैल्यू देखिए कितना निकला है, 5/13 निकला है ना, 5/13। चलिए तो लिखेंगे 5/13 इंटू, ये आप साइन अल्फा का मान जो निकाले हैं ये आपका आ गया। चलिए ठीक है, अब जो आपका है साइन अल्फा कॉस बीटा, देखिए साइन अल्फा का मान आपने ये रख दिया ठीक है, उसके बाद है कॉस बीटा, कॉस बीटा का वैल्यू आपने कितना रखा, तो कॉस बीटा का ये 4/5 रख दिया। फिर कह रहा है कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा का वैल्यू ये है ना 12/13, तो 12/13 लिखिए। फिर क्या हो जाएगा, साइन बीटा, साइन बीटा का मान आपने निकाला है कहीं, देखिए तो साइन बीटा, साइन बीटा का मान 3/5 है, तो लिख दीजिए 3/5। अब देखिए इसको क्या लिखेंगे, ये साइन अल्फा प्लस बीटा तो रह ही जाएगा, तो आप लिखिए यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा बराबर, ये आपका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करिए तो 4 × 5 20 और 13 × 5 13 × 5 कितना हो जाएगा 65। तो ये 20/65 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, यस या नो कमेंट कीजिए। और ये हो जाएगा 12 × 3 36/65, 65 सेम है, एलसीएम हो जाएगा 20 + 36 56 हो जाएगा। ये आपका 56/65। चलिए ये उधर जाएगा, इन्वर्स लग जाएगा, बच क्या जाएगा, अल्फा बीटा बचेगा बराबर, देखिए क्या बच रहा होगा आपका, साइन इन्वर्स 56/65 आ गया है ना। ये अल्फा, अल्फा देखिए तो कहीं होगा आपके पास, ये है कॉस इन्वर्स कितना 12/13 प्लस बीटा, बीटा माने होंगे देखिए तो साइन इन्वर्स 3/5, साइन इन्वर्स 3/3 कितना 5 बराबर। अब इसको आप क्या लिख सकते हो तो बताओ, तो आप लोग इसको लिख सकते हैं साइन इन्वर्स 56/65। यही प्रूफ करना था रैपिड फायर में, कंप्यूटर महोदय लगाया जाए क्वेश्चन नंबर 7। सभी बच्चे समझ गए होंगे, चलिए इसको मिटा दूं। ये कल का क्वेश्चन था, कल मैंने बताया था इस क्वेश्चन को, लेकिन दोबारा मैंने रिपीट कर दिया। चलिए नेहा कुमारी, यानी 5/13, अच्छा यानी सभी बच्चे कंसस हैं। देख वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो, आपका क्लास अच्छा चल रहा है, तो अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, अच्छा नहीं लग रहा हो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। अगर अच्छा लग रहा है तो दोस्तों में शेयर करिए, ताकि सभी बच्चे लॉकडाउन में अच्छे से घर पर रह करके सुरक्षित होकर के पढ़ सकें। चलिए इस क्वेश्चन को मिटाता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर, कंप्यूटर महोदय 7 लगा चुके हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 10 इनवर्स 60 कितना 3/16
जबकि आपका क्वेश्चन है कितना दिया हुआ है? हाँ, क्वेश्चन लग रहा है। तब तक फटाफट आप लोग को वीडियो शेयर कर लीजिए अपने दोस्तों में। क्वेश्चन है, टेन इनवर्स कितना? 63/16 बराबर साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। ठीक है, प्रूफ करना है। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 7, बहुत सारे बच्चों का रिक्वायरमेंट था, कमेंट किए थे सर क्वेश्चन नंबर 7 बनाइए। चलिए देखिए, 63/16 बराबर ये कितना है? साइन इनवर्स 5/ कितना, जल्दी बताइए, 13। सभी बच्चे समझ रहे हैं तो कमेंट करें वाई, नहीं समझ रहे हैं तो नो कमेंट करें। अब वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपका भी भला हो और मेरा भी भला हो, है ना? दोनों आदमी एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे को लाभ होना चाहिए। चलिए, कह रहा है कि टेन इनवर्स कितना? 63/16 कितना? 16। प्रूफ करना है इतना, तो याद रखिए इतना बराबर इतना प्रूफ करना है। मैंने बताया था आप लोगों को कि जो प्रूफ करना हो उसको रफ में लिख लेना है। तो हमेशा याद रखिएगा एक चीज़ और, कि ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन में बड़ी राशि से छोटी राशि प्रूफ करना आसान होता है, किंतु छोटी राशि से बड़ी राशि प्रूफ करना मुश्किल, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ बड़ी राशि देख रहे हैं इधर RHS है, तो RHS से किसको प्रूफ करना होगा? LHS को प्रूफ करना होगा। और ये देख रहे हैं, मैंने बताया था कि जो प्रूफ करना हो, 10 प्रूफ करना है ना, 10 को रफ में लिख लीजिए आप लोग। चलिए, 10 को आपने रफ में लिख लिया, इसको कुछ न कुछ मानिएगा, बताए थे ए बी अल्फा बीटा कुछ भी मानिए। तो चलिए आप इसको अल्फा मान लेते हैं, प्लस इसको आप क्या मान रहे हैं? बीटा मान रहे हैं। चलिए इसको आपने लिख दिया बीटा। अब देखिए, टेन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला पता होगा आप लोग को, लिखिए तो टेन अल्फा प्लस टेन बीटा अपॉन 1 माइनस टेन अल्फा इंटू टेन बीटा। बस इतनी चीज़ों की ज़रूरत है। अगर ये चीज़ आपको आ गया तो समझ जाइए कि आपका ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो गया। चलिए देखते हैं कितने बच्चे समझ पाए हैं इस चीज़ को, मेरी भावनाओं को कितने बच्चे ने समझा है। चलिए इसको मानते हैं। क्या मानते हैं? अल्फा। गुड, अब ये अल्फा इधर आ जाएगा, साइन अल्फा कितना है? 5/13 इम्प्लाइज कर दीजिए, क्या चाहिए? टेन अल्फा। देखिए यहाँ पर क्या चाहिए आपको? टेन अल्फा। आप टेन अल्फा निकाल लीजिए। कैसे निकालिएगा? तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, इस ये सिंपल सा फंडा को यूज करिए। टेन अल्फा बराबर साइन अल्फा रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, ऐसा लिख सकते हैं, या कॉस आपके पास नहीं है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा लिखिए। तो साइन अल्फा बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ये कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस हो जाएगा, साइन बटे कॉस क्या हो जाता है? टेन हो जाता है। गुड, सभी बच्चे, अंकित कुमार गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग अंकित। आप थोड़ा विलम्ब से आते हैं, समय पर आइए, कुछ छूट जाता है आपका। टेन अल्फा बराबर, अब लिखिए साइन अल्फा का मान 5/13 रूट ओवर 1 माइनस 5/13 का स्क्वायर। चलिए इसको अगर हल करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 5/13, इसको हल करेंगे 169 में से 25 घटा लीजिएगा, 144 होगा, यानी 12/13 आ जाएगा। 13 कट गया हो, यानी 5/12 आ गया। समझ में आ रहा होगा सभी बच्चे को? कोई दिक्कत किसी को नहीं आ? बीटा इधर आ जाएगा तो वो जाके एंगल खत्म कर देता है, तो एंगल खत्म कर देगा तो क्या हो जाएगा? कॉस बीटा बराबर आ जाएगा 3/5, क्या आ जाएगा? कॉस बीटा बराबर 3/5 आ जाएगा, बिल्कुल।
चलिए आ गया, ठीक हो गया। अब कह रहा है कॉस इनवर्स 3/5 बराबर कितना, बीटा मान लिए, बीटा इधर आ गया तो वो उधर चला जाएगा, है ना। तो कॉस बीटा बराबर कितना आ गया, 3/5। हमें चाहिए कितना, 10 बीटा चाहिए ना, तो 10 बीटा आप निकाल लीजिए। चलिए 10 बीटा निकालिए, क्या होगा, 10 बीटा बराबर फिर वही फॉर्मूला कॉस है ना, तो कॉस के लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा बटे कॉस बीटा। अब इस चीज़ को पहले समझते हैं हम लोग, 1 माइनस कॉस स्क्वायर जो लिखते हैं, क्योंकि कॉस में हमारा मान दिया हुआ है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बराबर हो जाता है साइन स्क्वायर, होता है कि नहीं, यस या नो। अच्छा चलिए, अब ये 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाता है, और स्क्वायर से रूट कैंसिल, साइन हो जाएगा, साइन बटे कॉस 10 हो जाता है, इसीलिए मैं ऐसा करता हूँ। चलिए सभी बच्चे समझ गए हैं, अब लिखते हैं 1 माइनस बीटा का स्क्वायर है, तो बीटा का मान 3/5 कितना है आपके पास, 5 है, 3/5 का होल स्क्वायर लिख दीजिए, और यहाँ पर लिख दीजिए 3/5, हल करेंगे ये 4/5 देगा आपके पास, तो चलिए ये 4/5 दे देगा, 4/5 / 3/5। देखिए तो ये 5/5 कैंसिल हो रहा है, चलिए ये 5/5 कैंसिल हो गया, 4/ कितना आ गया आपका, 3 10 बीटा बराबर आपके पास आ गया 4/3। अब कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे आपको पता होगा, अच्छी तरह से पता है ना, सभी बच्चे जुट जाइए, थोड़ा बहुत नेट प्रॉब्लम होता है, तो ये नहीं कि नेट प्रॉब्लम हुआ तो बस आप भाग जाइए, न आपको हमारा साथ देना पड़ेगा, तब तो मैं मेहनत करूंगा ना आपके लिए। चलिए अब देखते हैं कौन सा फॉर्मूला लगाए थे आज, नाउ 10 α+β ना, लगाइए 10 α+β बराबर 10 α + 10β बटे 1 - 10 α × 10β, ये फॉर्मूला होगा, ये रहने देते हैं। चलिए अब सबका मान आपके पास अवेलेबल है, आप लिखिए 10 α, 10 α का मान आपने कितना निकाला है, देखिए मैं इसको घेर देता हूँ, 5/ कितना है आपके पास, 5/12 प्लस, अब देखिए आपके पास क्या है, 10β का मान है, 10β का मान 4/3 आपने निकाला, लिखिए 4/3 अपॉन ये 1 - 10α का मान 5/12 * ये 4/3। सभी बच्चे समझ रहे होंगे, अब जोड़ घटा तो गुना भाग तो आप सभी बच्चे को आ रहा होगा, लिखिए तो 10α + β क्या हो जाएगा, LCM कितना होगा बताइए, 12 ही होगा ना। चलिए एक LCM का एक ट्रिक है, आप लोग जान लीजिए, बहुत ही आसान ट्रिक है, हमेशा वो राशि होती है जो राशि बड़ी होती है, तो बड़ी 12 है, और 12 में 3 से भाग लग रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। आप रफ में भी देख सकते हैं, 12 3 का LCM, पहले 3 से लगाएंगे, 4 1 हो जाएगा, 4 * 12 आ गया, सिंपल सा है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये आ रहा होगा आप लोगों को। चलिए LCM हो जाएगा आपका 12 होगा, चलिए ये हो जाएगा 5 + ये कितना हो जाएगा बताइए, तो फटाक से बताइए कितना आएगा, 4 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो एक क्वेश्चन जो था, मैंने बताया था कि थोड़ा मिस प्रिंट है, लगता है यही क्वेश्चन मिस प्रिंट है, ये जो 3/5 है, ये 3/8/5 होना चाहिए, चेक करते हैं, चलिए देखते हैं। तो ये आ रहा है 5/12, LCM ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा, 12 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। अब इसको अगर लिखेंगे तो ये 5 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा कितना, 3 यानी मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 आ जाएगा, 4 + 4 = 16 हो जाएगा। फिर आ रहा है ये कितना, ये आ रहा है आपका 12 है ना, 12 नहीं क्या आ जाएगा, चलिए 36 आ जाएगा ना, 12 * 36 हो जाएगा। चलिए ये 36 हो गया, अब 36 में से कितना घटाइएगा, ये 20 घट जाएगा। अब देखिए तो ये कितना से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, होगा,
अब देखिए क्या हो रहा है आपका, टेन अल्फा प्लस बीटा है ना। अब ये देखिए तो जोड़िए तो 16 पाँच 21 होता है, और 21 तिया कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। तो 21 तिया 63 हो जाएगा, तो 63 लिख सकते हैं, और इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 16। चलिए सही है। अब ये उधर चला जाएगा तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स कितना आ जाएगा, 63/16 आ जाएगा। अब देखेंगे, इसको मिटा देता हूँ, ये यहाँ लिखूँ, दिख रहा है ये चीज़ें, चलिए इधर लिखता हूँ। अब यहाँ पर क्या है ना कि अल्फा प्लस बीटा आपके पास अवेलेबल है, तो अल्फा का मान क्या निकाले हैं देखिए, तो ढूंढिए तो आप अल्फा का वैल्यू आपको मिलेगा कहीं, ये देखिए है ना। अल्फा क्या है, साइन इनवर्स 5/13, लिख दीजिए इसको, साइन इनवर्स 5/13 प्लस, फिर देखिए कितना है बीटा, बीटा का मान आप ढूंढिए कहीं मिलेगा आपके पास अवेलेबल होगा, ढूंढिए बीटा यही है ना, कॉस इनवर्स 3/5, तो कॉस इनवर्स 3/5 बराबर देखिए तो कितना है, टेन इनवर्स, तो लिखिए यहाँ पर टेन इनवर्स कितना, 63/16 प्रूव्ड हो गया। कहिए फिर समझा दें इसको, जल्दी बताइए, फिर समझाना है तो कमेंट बाय कीजिए, यदि नहीं समझ गए तो राजीव कुमार 36 गुड, देखिए तो मेरा विद्यार्थी हमसे पहले कैलकुलेशन कर लेता, गुड, ये 63/16 बिल्कुल, नेहा कुमारी, सभी बच्चे समझ गए हैं, दोबारा नहीं समझाना होगा ना। चलिए कंप्यूटर महोदय, बच्चे सभी समझ गए हैं, आगे बढ़ाया जाए, क्वेश्चन नंबर लगाया जाए 8। चलिए फटाफट लगाया जाए। एक चीज बेटा आप लोग ध्यान रखेंगे कि ये थोड़ा बहुत नेट प्रॉब्लम होता है, एक दो मिनट का अगर कोई परेशानी आता है तो यहाँ टेक्निकल सर बैठे हुए हैं, वो तुरंत ठीक कर लेंगे। आप लोग एकदम बने रहिए चैनल पे, है ना। ये जो भी मैं कर रहा हूँ वो आप लोग के लिए ही कर रहा हूँ। बस एक छोटा सा शिकायत आप लोग से है कि आप लोग वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अकेले में पढ़ रहे हैं। शेयर करने से आप एक बच्चे का भी फायदा होगा आपके माध्यम से, तो ये पुण्य का काम करें, है ना, पुण्य का भागीदार बने कि आपके माध्यम से कोई और बच्चे लाभान्वित हो सके। इसलिए जो भी आपके दोस्त हैं शेयर का सिंबल बना हुआ है उसको शेयर करें, लाइक करें वीडियो को, है ना। ये छोटा सा विज्ञापन है जब तक मैं बोर्ड साफ करता हूँ, है ना। चलिए क्वेश्चन लग चुका है 18, कह रहा टेन इनवर्स 1/5 प्लस टेन इनवर्स 1/7 प्लस टेन इनवर्स 1/3 प्लस टेन इनवर्स 1/8 बराबर प्रूफ करना है 5/4। बहुत एक्सेलेंट क्वेश्चन है, आप चाहें तो इसको दो तरीके से बना सकते हैं। हाँ हाँ क्वेश्चन सही है और आंसर भी सही आ गया है। चलिए देवेंद्र कुमार, देवेंद्र गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। बस इसी तरह आप लोग प्यार देते रहिए। टेन इनवर्स, आप लोगों का प्यार ही हमारा एनर्जी है। टेन इनवर्स 1/7 प्लस 1/3 प्लस टेन इनवर्स 1/8
प्रूफ करना है पाई बाय फोर। देखो बेटा, इसमें एक चीज़ हमेशा याद रखना है आप लोगों को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये माना जाता है। आप चाहो तो इसमें देखिए काउंटिंग करिए, कितने एंगल है, फोर एंगल है, चार एंगल है, कितने एंगल है, चार एंगल है। इसको अगर आप आसान तरीके से बनाना चाहते हैं तो थोड़ा मास्टर माइंड लगाना पड़ेगा। अगर थोड़ा आप कैलकुलेशन हार्ड करना चाहते हैं तो नॉर्मली क्या करेंगे, इस दोनों को एक साथ कर देंगे और इस दोनों को एक साथ लेकर के कौन सा फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर सिक्स लगा देंगे, ये जो मैं बताया हूं, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। कमेंट करके बताएं सभी बच्चे क्या होता है फॉर्मूला, ये होता है ना, एक बार बोले थे दोनों एंगल जोड़ देते हैं और एक में से दोनों को एक बार क्या कर लेते हैं, घटा लेते हैं। टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई मतलब एक बार दोनों को जोड़ते हैं और एक बार वन में से दोनों को क्या कर लेते हैं, घटा लेते हैं। चलिए हाँ मैं देख रहा हूं, तो अब क्या है ना, आप लोग बताएंगे जब ऊपर में कौन सा चौक अच्छा दिखता है, ये दिखता है नहीं दिखता है, दिख रहा है ये, तो जो चौक थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आती है लाइट की वजह से, ये भी दिख रहा होगा ठीक से, है ना। चलिए तो अब क्या है ना, क्या करना है, तो ये सारा क्वेश्चंस है, क्वेश्चन तो आप लोग को दिख रहा होगा क्वेश्चन में लिखा, तो मैं इस क्वेश्चन को मास्टर ट्रिक से बना रहा हूँ, ठीक है, बहुत ही अच्छा है, बस बने रहिए और देखते रहिए कैसे सॉल्व करता हूँ इस क्वेश्चन को। मैं क्या करता हूँ, कैलकुलेशन छोटा हो जाएगा, देखिए मैं बता रहा हूँ, इसको अगर एलसीएम लीजिएगा, सात पच्चे पैंतीस है ना, यहाँ पर देखिएगा गुना करेंगे तो पैंतीस हो जाएगा, घटाएंगे तो क्या होगा, यानी ये थोड़ा लेंदी आ रहा है। लेकिन अगर हम एक ऐसा प्रोसेस करें कि इस दोनों को एक साथ कर देते हैं और इस दोनों को एक साथ कर देते हैं, अगर इस दोनों को एक साथ और उस दोनों को एक साथ करते हैं तो हमारा कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगा। और देखिएगा आप लोग करके देखिएगा, इस दोनों से भी करके देखिएगा और इस दोनों से करके देखिएगा, और मैं जो कर रहा हूँ वो देखिएगा, बहुत आसान हो जाएगा। चलिए देखते हैं, टेन इनवर्स वन बाय फाइव प्लस टेन इनवर्स वन बाय एट, मैंने एक साथ कर लिया, फिर प्लस टेन इनवर्स वन बाय सेवन, टेन इनवर्स वन बाय थ्री, मैंने एक साथ कर लिया। किधर से चल रहे हैं हम लोग, एल एच एस से चल रहे हैं, गुड। चलिए अब क्या करेंगे, आप लोग बहुत समझदार हैं, आप लोग थोड़ा बताइए, हेल्प कीजिए। ये देखिए x है और ये है y, ये है x और ये है y, फॉर्मूला नंबर सिक्स आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है, चलिए वो फॉर्मूला आप लगा दीजिए। तो वो फॉर्मूला आप लगाएंगे तो क्या होगा, टेन इनवर्स एक बार दोनों एंगल जुड़ जाता है तो वन बाय फाइव, वन बाय एट, वन माइनस वन बाय फाइव, वन बाय एट। किसी बच्चे को कोई दिक्कत, इस दोनों में वो फॉर्मूला लगाए, इस दोनों में भी वही फॉर्मूला लगा दीजिए, टेन इनवर्स वन बाय सेवन, वन बाय थ्री, वन बाय सेवन, वन बाय थ्री। सभी बच्चे समझ रहे होंगे, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। बिल्कुल टेन इनवर्स, देखिए एलसीएम कितना लेंगे, आठ पंचे चालीस, फोर्टी एट जा वन, एट फाइव जा वन, फाइव एट प्लस फाइव, पुनः नीचे देखें फोर्टी एलसीएम होगा, फोर्टी माइनस वन हो जाएगा, प्लस टेन इनवर्स ट्वेंटी वन एलसीएम, थ्री प्लस सेवन ट्वेंटी वन एलसीएम, ट्वेंटी वन माइनस वन। ऐसा करने का रीजन क्या है वो अभी जस्ट दिखेगा आप लोग को कि कितना आसान हो जाता है। ये दोनों कट गया, अब देखिए इस दोनों को जोड़ेंगे तो एट फाइव थर्टीन हो जाता है ना, टेन इनवर्स थर्टीन, फोर्टी में से वन घटाएंगे थर्टी नाइन, प्लस टेन इनवर्स, और ये दोनों को करते थे ये कैलकुलेशन बहुत बड़ा होता, ये देखेंगे थ्री जा थ्री प्लस सेवन टेन, ये दोनों कट जाएगा, ट्वेंटी माइनस वन, ट्वेंटी वन माइनस वन, ये ट्वेंटी हो जाएगा। देखिए ये दोनों कट गया, थर्टीन जा थ्री कितना होता है, थर्टी नाइन होता है, देखिए तो ये वन हो जाएगा, वन बाय थ्री आ गया और ये वन बाय टू आ गया, कैलकुलेशन बहुत आसान हो गया। वैसे आता आपको कितना, सत्रह बटे समथिंग आता, 23 अपॉन आता 17, फिर उसका कैलकुलेशन सोचिए कितना लंबा होता है ना। अब लगा दीजिए, क्या आया आपका रिजल्ट,
टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 1/3, ये आपका आया है। अब तो बस फॉर्मूला नंबर पुनः 6 लगा देना है। तो क्या है फॉर्मूला नंबर 6? टेन इनवर्स 1/2 प्लस 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3। सभी बच्चे समझ रहे होंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। कितना होगा एलसीएम? 6, 3 प्लस 2, नीचे भी 6, 6 माइनस 1। देखिए बाबू ये कट जाएगा आपका, टेन इनवर्स 5/5, ये दोनों कट जाएगा, कितना हो जाएगा 1। टेन इनवर्स कितना? 1 होगा, और जिसका वैल्यू किसके बराबर होता है? π/4। देखिए RHS क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया रैपिड फायर में, समझने में कोई दिक्कत? चलिए कंप्यूटर महोदय अगला क्वेश्चन लगा दिया जाए फटाक से, सभी बच्चे समझ रहे हैं फटाफट। अंकित कुमार गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। अमित कुमार गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। मिथिलेश कुमार गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मिथिलेश। चलिए सभी बच्चे समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में फटाफट वाइट टाइप कीजिए, तो मैं चेक करता हूं आप लोग कितने बच्चे लाइक किए हैं। लाइक बहुत कम आ रहा है, लाइक कीजिए, सभी बच्चे लाइक करते रहिए। और वीडियो को तेजी से फैला दीजिए, जितना फैला सके आप लोग। चलिए आ गया कमेंट में वाई, गुड। नेहा कुमारी, राजीव कुमार, सभी बच्चे समझ रहे हैं। चलिए मिटाता हूं मैं इसको, कल से मैं आप लोग से वादा करता हूँ, कल से आप लोग के लिए एक मोटिवेशनल क्वेट लाऊंगा, और जो कि आपके स्क्रीन पर दिखेगा, है ना, और मैं उसको पढ़ के सुनाऊंगा आप लोग के लिए, मोटिवेशनल क्वेट, है ना। समझ रहे होंगे मोटिवेशनल क्वेट किसको कहते हैं, है ना। मंजिलें अगर ना भी मिले तो जियो जिए जाओ रास्ते, खुद की अगर खुशी मिले ना मिले तो जियो औरों के वास्ते। तो अपनी जिंदगी का मकसद औरों के वास्ते होना चाहिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, मोटिवेशनल क्वेट फिर पढ़ेंगे हम लोग, तब तक अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए कंप्यूटर महोदय अगला क्वेश्चन लगा दिए हैं, ये अब आपके स्क्रीन पे आ रहा है क्वेश्चन नंबर 9। चलिए आपके स्क्रीन पर ये रहा क्वेश्चन, स्क्रीन पर
देखिए क्या ये क्वेश्चन बन रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 9, टेन इनवर्स रूट एक्स इक्वल 1/2 कॉस इनवर्स 1 - x है ना अपॉन 1 + x। देखो आप लोग ये कंडीशन तो हमेशा लिखा हुआ रहता है, एक्स बिलोंग्स टू किसके बीच है आपका 0 से 1 के बीच, हमेशा 0 से 1 क्योंकि कॉस का वैल्यू वही होता है। चलिए अब देखते हैं, बहुत ही खूबसूरत है। चलिए अरे वाह सभी बच्चे इस अथी पे वाह वाह लिखे हैं, धन्यवाद। चलिए क्वेश्चन वैसे बोर्ड पे लिखा हुआ है, अगर वो नहीं भी दिख रहा होगा तो कोई बात नहीं है, सभी बच्चे समझदार हैं। चलिए अब कह रहा है अगले क्वेश्चन के ओर बढ़ते हैं। कुछ बच्चे ने बोला सर हिंट्स करिए, सिंपल सी बात है, इसको 2-3 तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, बहुत आसान क्वेश्चन है। एक तरीका तो है आप इसको मल्टीप्लाई इधर कर लो, है ना, उससे बन जाएगा। मैं 2 तरीके से बनाता हूँ, चलिए इसको मल्टीप्लाई करता हूँ इधर, तो हो जाएगा आपका 2 tan इनवर्स रूट एक्स बराबर कितना आ रहा है आपका कॉस इनवर्स 1 - x² / 1 - x / 1 + x है। चलिए एक फॉर्मूला मैं यहाँ रफ में लिखता हूँ, याद रखिएगा, 2 tan इनवर्स एक्स बराबर होता है कॉस इनवर्स 1 - x² / 1 + x². क्या मैंने फॉर्मूला लिखा है देखिए, तो 2 tan इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स 1 - x² / 1 + x², तो देखिए तो आप इसको थोड़ी देर के लिए एक्स समझ लीजिए, तो क्या है 2 tan इनवर्स एक्स है। फॉर्मूला के अनुसार अगर आप रखते हैं तो कॉस इनवर्स क्या कह रहा है 1 - x² एक्स क्या है रूट एक्स है ना, तो रूट एक्स का स्क्वायर बटे 1 + x² रूट एक्स का स्क्वायर। चलिए सभी बच्चे समझ रहे होंगे, स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया 1 - x / 1 + x². देखिए प्रूव हो गया क्या चुटकी में बना कि नहीं बना। चलिए अगर सभी बच्चे समझ रहे हैं तो बताइए। अंकित कुमार वेरी नाइस सर थैंक यू। चलिए यहां तक मैं किसी बच्चे को कोई दिक्कत, चलिए और दूसरे तरीके से मैं इस क्वेश्चन को बनाता हूँ, डील करता हूँ, है ना, मजा आ जाएगा। चलिए किधर से चले, राइट साइड से चले, राइट साइड में क्या है आपका आर एच एस देखिए तो क्या है 1/2 कॉस 1 - x / 1 + x है ना, इसको लिख देते हैं 1/2 कॉस लिख इनवर्स 1 - √x² लिख सकते हैं, 1 + √x² आप लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। अब देखिए तो कॉस इनवर्स 1 - x² / 1 + x² बराबर 2 tan इनवर्स x होगा, लगा दीजिए फॉर्मूला 1/2 × 2 tan इनवर्स x के बदले रूट एक्स है, 2 कट गया कितना आ गया देखिए तो 10 इनवर्स रूट एक्स आ गया, 10 इनवर्स रूट एक्स किसके बराबर है देखिए तो ये LHL के बराबर है, LHS के बराबर है, सॉरी LHL नहीं, LHS के बराबर आया ना, क्या हो गया प्रूव हो गया। देखिए दोनों तरीका से प्रूव कर दिया मैंने, तो जो तरीका आपको अच्छा लगे वो तरीका आप लोग लिखें। चलिए अगर ये सभी बच्चे समझ रहे हैं तो कमेंट में वाई टाइप कीजिए फटाफट, इतने बच्चे लाइव हैं और लाइक बहुत कम आया है, तो इसलिए लाइक भी करते जाइए वीडियो को लाइक करते जाइए और अपने दोस्तों में फॉरवर्ड करते जाइए फटाफट। चलिए कंप्यूटर महोदय अगला क्वेश्चन लगाया जाए। चलिए मोटिवेशनल क्वोट्स अब आपके स्क्रीन पर, इतना छोटा सर बिल्कुल छोटा, 2 नंबर में पूछेगा, मैं 2 तरीके से बना दिया हूं बाबू। चलिए सभी बच्चे का कमेंट आ गया वाई, देखिए आपके सामने मोटिवेशनल क्वोट, थोड़ा और नीचे किया जाए सर तब सभी बच्चे पढ़ पाएंगे, और नीचे कीजिए नीचे, जीतने वाले ही नहीं बल्कि कहां पर हारना है ये जानने वाला भी महान होता है। मतलब क्या कि जीतने वाला ही नहीं बल्कि कहां पर हारना है ये जानने वाला भी महान होता है, हर जगह जीत
इतना ही नहीं है, कहीं पे हारना भी जरूरी होता है। चलिए, बहुत अच्छा क्वेट्स है, तो ये अपने जीवन में आप लोग उतारने का प्रयास करेंगे। चलिए, वाह, देखिए तो कंप्यूटर महोदय इसको ग्रीन रेड कर दिए हैं। जीतने वाला ही नहीं बल्कि कहाँ पर हारना है ये जानने वाला भी महान होता है। चलिए, धन्यवाद कंप्यूटर महोदय। चंदा राजकुमारी समझ गए हैं सर, गुड। चलिए, अगला क्वेश्चन लगाया जाए कंप्यूटर महोदय, इस क्वेट्स को हटाया जाए। वीडियो देखिए अच्छा लगे तो ही लाइक करिए, अगर अच्छा नहीं लगे तो बिल्कुल लाइक नहीं कीजिए, अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर कीजिए, नहीं अच्छा लगे तो बिल्कुल शेयर मत कीजिए, है ना। मुफ्त में समय बर्बाद करने से क्या कुछ भी नहीं। चलिए, अगला क्वेश्चन कंप्यूटर महोदय लगा चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए, इसको बनाने के दो तरीके हैं, लेकिन मैं वो तरीका बताऊंगा जो मेरे बच्चों के लिए बहुत आसान हो, है ना। मैं प्रयास वही करता हूं ताकि मेरे बच्चे अच्छे से समझ पाएं। चलिए, इसको मिटाता हूं, बोर्ड साफ करता हूं। और आज कल कुछ तकनीकी प्रॉब्लम आया था जिस वजह से 11th का क्लास नहीं हो पाया था, किंतु आज 11th का क्लास होगा। तो जो भी आपके भाई बहन 11th में इस बार जाने वाले हैं उनको कहें आप आए और लाइव पढ़ें। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कोट इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स अपॉन रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स माइनस रूट अंडर, नहीं आगे प्लस ही है, 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, कह रहा है दिखाइए ये किसके बराबर है, x बाय 2 के बराबर है, जबकि आपका वैल्यू कह रहा है किसके बीच होना चाहिए, ये x का वैल्यू जो होना चाहिए 0 से पाई बाय 2 के बीच होना चाहिए। देखिए, 0 से पाई बाय 2 इसलिए होना चाहिए कि पाई बाय ओपन इंटरवल में है, यही क्लोज इंटरवल में होता तो पाई बाय 2 रखते तो साइन पाई बाय 2 का मान 1 होता, तो क्या हो जाता, ये हो जाता आपका कितना 0 और ये हो जाता आपका 2। तो क्या सिंप्लीफिकेशन के लिए ज़रूरी होता है कि वैल्यू आपको अच्छे से दिया हुआ होना चाहिए, है ना। चलिए, अंकित कुमार, टाइम के साथ झुकना भी होता, बिल्कुल सही बात अंकित। चलिए, कह रहा है कि 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स बटे रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स। देखिए, मैं एक छोटा सा ट्रिक बता रहा हूँ आप लोग के लिए। पहले देखिए, 1 के बदले आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, हाफ एंगल में जानते होंगे, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का मान 1 होता है, सभी बच्चे जान रहे होंगे। चलिए, अगला देखते हैं साइन एक्स के बदले लिख सकते हैं 2 साइन x बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। जो बच्चे नहीं जानते हैं रफ में लिख लीजिएगा, साइन एक्स का हाफ एंगल होता है 2 साइन x बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। ठीक है, थोड़ा मैं पानी पी लेता हूँ। ठीक है, अब पेट्रोल आ गया है। चलिए, साइन एक्स बराबर 2 साइन x बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 होता है। अब 1 प्लस साइन एक्स है तो लिखिए, तो 1 प्लस साइन एक्स
वन का वैल्यू आपके पास पता है, कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, और साइन का वैल्यू आपके पास पता है टू कॉस एक्स बाई टू लिखिए या साइन एक्स बाई टू लिखिए, दोनों एक ही चीज है। अब फॉर्मूला से देखिए, ए इसको ए मानते हैं और इसको बी मानते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी है, तो ए प्लस बी का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। गुड, वन प्लस साइन एक्स बराबर क्या हो जाएगा, कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। यस या नो? यस, यानी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। सभी बच्चे समझ रहे होंगे। यहाँ देखिए कि प्लस है तो यहाँ प्लस आया ना, अगर यहाँ माइनस हो जाए तो यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं इसी प्रकार, याद रखिए इनवर्स ट्रिगो कैलकुलस में बहुत फायदा करता है, तो वन माइनस साइन एक्स के बदले आप क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। क्या आप लोग ऐसा लिख सकते हैं? सभी बच्चे लिख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या है ना, सिंपल सी बात है, अब सबका मान हम लोग रखते हैं। देखिए कॉट है ना, तो लिखिए कॉट इनवर्स लगा दीजिए। अब देखिए रूट अंडर इतना है ना, वन प्लस साइन एक्स का मान आपने क्या निकाला है, वन प्लस साइन एक्स का मान ये है, तो रूट अंडर में वो रख दीजिए। तो रूट अंडर में क्या लिखिएगा, कोस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। चलिए प्लस है ऊपर, प्लस रूट अंडर वन माइनस साइन एक्स है, वन माइनस साइन एक्स का ये वैल्यू है, तो लिख दीजिए आप। कंप्यूटर महोदय यहाँ तक दिख रहा है? चलिए अब क्या है ना, आगे फिर यही फॉर्मूला है, तो ऊपर वाला उतार दीजिए। कॉस एक्स बाई टू आप लोग को दिख रहा है, प्लस साइन एक्स, मैं इधर आ जाता हूँ, साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर है ना, हो जाएगा। माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, फिर वो ये वाला लिख दीजिए, कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। इसको बड़ा सा ब्रैकेट लगा दीजिए। अब देखिए क्या होगा, अब स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, सारा का सारा कैंसिल हो गया। अब बच क्या रहा है, सो देखिए ये कॉट है बेटा, कॉट इनवर्स ये क्या हो जाएगा, कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू। अब देखिए प्लस ये वाला लिख दीजिए, तो ये क्या है आपका, कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। नीचे देखेंगे माइनस है तो ये माइनस और ये माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग, कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, ये माइनस कॉस हो जाएगा ना, तो माइनस कॉस एक्स बाई टू, अब माइनस माइनस प्लस साइन एक्स बाई टू। किसी बच्चे को कोई दिक्कत इस लाइन में? अब देखिए ये कटने वाला चीज है तो काटते हैं, यहाँ से साइन साइन कट गया ना, नहीं कट गया, देखिए कॉस पॉजिटिव में है कॉस निगेटिव में है, कट गया। अब क्या है देखिए, तो ये आपके पास है कॉट इनवर्स दिया हुआ है, वन टाइम, वन टाइम कितना टाइम हो गया, टू टाइम कॉस एक्स बाय टू, देखिए वन टाइम साइन, वन टाइम साइन, टू टाइम साइन हो जाएगा साइन एक्स बाय टू, ये टू टू कट गया। कॉस बटे साइन क्या होता है, कॉट होता है, सभी बच्चे को पता होगा, तो कॉट इनवर्स अंदर में आ गया कॉट एक्स बाय टू, सभी बच्चे को पता होगा इनवर्स ब्रांच कैंसिल होकर के क्या बच जाता है, एक्स बाय टू, एक्स बाय टू क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। क्या सभी बच्चे समझ गए हैं या नहीं समझे हैं कहिए, तो मैं पूरा दोबारा इसको समझा देता हूँ। अगर समझ गए हैं तो कमेंट में वाई टाइप कीजिए, यदि नहीं समझे हैं तो जल्दी से बताइए, फटाफट मैं इसको दोबारा समझाऊंगा।
क्या और आगे पढ़ाया जाए या आज कल के क्लास यहीं पर समाप्त किया जाए, जल्दी आप लोग बताइए कमेंट में। चलिए चलते चलते एक क्वेट से सुनते हैं हम लोग। लगाया जाए कंप्यूटर महोदय। चलिए सभी बच्चे समझ गए हैं, दोबारा समझाने की कोई ज़रूरत है नहीं। अगर दिक्कत आएगी तो आप वीडियो को प्ले कर लेंगे दोबारा। क्वेट्स बहुत अच्छा लगा है कंप्यूटर महोदय। कह रहा है कि अगर एक दिन अपने आप पर गर्व करना है तो आज हार मत मानो। क्या कह रहा है? अगर एक दिन अपने आप पर गर्व करना हो तो आज हार मत मानो, मतलब जीतो और मेहनत करो। ठीक है, मैं एक क्वेट सुनाता हूं आप लोग को, ध्यान देंगे, अच्छा सा क्वेट है। कह रहा है कि यदि आज सर झुका करके तुम पढ़ लिए तो कल जिस समाज में तुम सर झुका करके पढ़ा था उस समाज में सबसे ऊंचा सर तुम्हारा होगा। इसी क्वेट के साथ आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल।